पीछे से दोस्तों, मेरा नाम हैदर अली और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो कि मैंने स्पेशली कार लवर्स के लिए बनाया है। मेरी तरह जो जो कार लवर्स हैं, ये चैनल उनके लिए होने वाला है। आने वाला कंटेंट सारा गाड़ियों से रिलेटेड होगा, तो कार लवर्स इसको अभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत मजे मजे का कॉन्टेंट आने वाला है। और बेसिकली मैं ये चाहता था कि जो मेरी फर्स्ट वीडियो हो वो इस चैनल के ऊपर, वो हो वीडियो जो मेरी कार से रिलेटेड हो, ठीक है, और जिस गाड़ी में मैं इस टाइम मौजूद हूँ, जो मैंने अभी रिसेंटली बाई की है, और मैंने कैसे बाई की, क्यों बाई की, यही कार क्यों बाई की, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं लोगों के जब इंसान कोई इस टाइप की वीडियो बनाता है। बट आज की वीडियो उस बारे में नहीं होगी। हाँ, कुछ अपडेट ज़रूर दूंगा, बट आज की वीडियो उस बारे में नहीं है। आज की वीडियो है कि आज हम क्या करेंगे, एंड सेकेंडली कुछ अपडेट्स आपको दूंगा कि चैनल बनाने की रीज़न क्या है, गाड़ी कौन सी है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सो गाइज, मे बी शायद आपको पता चल गया हो, जो बहुत ज़्यादा कार लवर्स हैं उनको शायद पता चल गया हो सनरूफ देखकर और थोड़ा बहुत इंटीरियर देखकर। बट इंटीरियर तो फ्रंट से आपको फुल डैशबोर्ड जब नज़र आएगा तो मे बी काफ़ी लोग गेस कर लेंगे। तो दोस्तों, ये गाड़ी है, काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा ये गाड़ी कौन सी है। बट अभी मैं इस गाड़ी के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, मैंने कब ली, क्यों ली, कैसे ली, जो कि सबसे मेन क्वेश्चन है। और ये देख सकते हैं आप डैशबोर्ड, इसका जो डैशबोर्ड है ना भाई, सारे पैसे वो पूरे कर देते। और ये फुल ऑप्शन है, क्रूज कंट्रोल, ये वो सब कुछ, सनरूफ, ठीक है। और ये भाई का आपके जो है ना जैकेट पड़ी है। अभी फुल टाइम हम लोग जो है रेडी होंगे। सो आज हम लोग जा रहे हैं एक कॉन्सर्ट पर, और कॉन्सर्ट है काशिफ अली बाबर का, जो कि बड़े फेमस सिंगर हैं कोक स्टूडियो के। और इंटरेस्टिंग बात अभी मैं आपको बताता हूँ कि इंटरेस्टिंग बात क्या है, क्योंकि कॉन्सर्ट पे तो हर कोई जाता है, बट कॉन्सर्ट पे हम एज एन ऑडियंस नहीं जा रहे। कॉन्सर्ट है लाहौर में, लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में, जो कि DHF फिजिक्स में है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज हम एज एन ऑडियंस नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं जी मैनेजमेंट। अभी कुछ देर के बाद, लाइक 2 से 3 घंटे के बाद, मैंने काशिफ भाई को पिक करना है और काशिफ भाई के साथ हम फिर मिलकर जाएंगे आगे कॉन्सर्ट पर। अच्छा, एक जो है ना इस गाड़ी की चीज़, ये देखें जी, ये एक मिनट आपको जो है ना आज एक चीज़ दिखाते हैं जो कि सिविक वाले होंगे ना उनको पता होगा। ये चीज़ आप देख लें जी, अगर आपने सिविक रखनी है तो ये साइन से आप वाकिफ हो जाएं, इसके साथ दोस्ती बना लें, ठीक है जी। अभी मैंने इसमें फ्यूलिंग करवानी है, उसके बाद डायरेक्ट चलते हैं मीटिंग पे। सो फ्यूल के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं, बस यहाँ से जल्दी जल्दी से फ्यूल डलवाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। फ्यूल जो है वो मैं हर जगह से नहीं फिल करवाता, उसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक पेट्रोल पंप रखा है जहाँ से जो है ना मैं फ्यूलिंग वगैरह करवाता हूँ। हाँ, अभी ज़रूरत पड़ गई थी, बिल्कुल 19 किलोमीटर तक की रेंज रह गई, तो मैंने कहा तकरीबन थोड़ा सा फ्यूल डलवा लें कि एटलीस्ट मैं कॉन्सर्ट से आना जाना कर लूँ। या 3000 का कर, हाँ। फ्यूल आया। जब ये सेल बढ़ते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता। भाई जान, जब आपका कार्ड नहीं ना लगता तो बेशक आपके कार्ड में पैसे हों भी, तो भी आपको भाई डर सा लगता है कि आपने पता नहीं कोई चोरी कर ली है शायद। सो गाइस, अभी हम यहाँ पर आए हैं ग्लोरिया जीन्स, बस यहाँ से अपनी चीज़ें उठाते हैं और उसके बाद अंदर चलते हैं। अभी भाई मैं सीख रहा हूँ कैमरा इस तरह से किस तरह पकड़। सो अभी जैकेट शैकेट पहन ली है, बट ये है कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊँगा कि क्या चीज़। सो अभी लेट्स गो इनसाइड। सो जी, ऑर्डर हमारा आ चुका है, साथ में काम शाम भी चल रहा है, इसको भी ख़त्म करते हैं और बंदे का वेट करो, जैसे ही आता है उसके बाद हम लोग निकलते हैं। ये जी काशिफ भाई आ रहे हैं, जैसे ही आके बैठते फिर आपको इनसे मिलवाते हैं जी। I'll be on a flight soon, I'll be on a flight soon.
सो दोस्तों गेट नंबर 2 पर जाना था और उसको ढूंढने में जो है ना टाइम लग गया। काशी भाई हमारे साथ बैठे हैं, अभी इनसे आपको मिलवाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो है ना हम गेट नंबर 2 तक पहुंच गए। आई थिंक सो कि ये अपनी आवाम है, ये देखें जी ये टीम खड़ी। सो गाइस एंट्री का टाइम हो चुका है और अब हम बस स्टेज पे जा रहे हैं। तो जी अभी हम लोग बिल्कुल बैक स्टेज पे हैं, सामने सारी ऑडियंस है और अभी काशी भाई के पास माइक आ चुका है और अब धुओं का धमाल। अभी हम स्टेज पे चढ़ेंगे, फिर स्टेज के कुछ व्यूज मैं आपको दिखाऊंगा और इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। तो ये जी फोटो सेशन हो रहा है। हाँ जी ब्रो मजा आया तुम्हें? काशी भाई इस टाइम हमारे साथ हैं और बहुत ही अच्छा शो किया, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे माइंड में और आई थिंक सबके माइंड में होंगे कि ये कॉन्सर्ट के ऊपर आपने जो बीच में अपना सरप्राइज छोड़ा है वो क्या सीन था, ये शेरो शायरी और ये क्या सीन था? सबसे पहले कि एक अच्छी टीम होना बड़ा मैटर करती है, और जो ट्रेंड है मैंने नया ट्रेंड आज लॉन्च किया है पाकिस्तान में कि कवाली को जब आप इलेक्ट्रिक करते हैं, क्योंकि आप यूथ में सम टाइम आप बैठ के कवाली करते हैं वो इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। सो मैंने इस इवेंट के लिए एक अच्छी प्लानिंग की थी कि मैं कुछ शेर व शायरी पढ़ूंगा और कुछ ऐसे फिक्रे करूंगा इस वाली में जो कि लोगों को पसंद आए, और आज का हमारा एक्सपेरिमेंट था बेसिकली। और मेरी पूरी टीम सरप्राइजिंग है कि आज इन्होंने कहा था भाई सरप्राइज है, तुम लोग हैरान हो जाओगे, और वो भाई वाकई कमाल था। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने जो सोचा था वो कर दिया, अब नेक्स्ट देखते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।